शेयर पढ़ता हूँ और समझ में आ जाए। आज जितने भी ये मीडिया है, एक मीडिया पर शेयर पढ़ता हूँ, बात समझ, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहिए, बात पहुंच जाए तो पीछे तक ताड़ियों से मुझे बताना। चोरी चौकीदार करेगा और भावा व्यापार करेगा। कौन लुटा और किसने लूटा? चोरी चौकीदार करेगा और बाबा व्यापार करेगा। कौन लुटा और किसने लूटा, ये निर्णय अखबार करेगा। चोरी चौकीदार करेगा। देशभक्ति भी क्या होती है, तीन तीन पीढ़ियां घुमा दी हमने, आज भी हमारे बेटे खड़े हुए हैं इस बॉर्डर पर। इस मिट्टी को अगर आप केमिकल एनालिसिस करेंगे तो इसमें हमारे पुरखों का खून निकलेगा। लोग हमें बता रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है, जो विदेशियों की चमचागिरी करते रहे। चोरी चौकीदार करेंगे, एक शेर पढ़ता हूँ और पहुंच जाता मुझे बता देना। मैंने एक नई चीज लिखी है, अभी अभी सिंपल भाई साहब कह रहे थे यहाँ के अत्याचार हो रहा है, वो हो ही रहा है, कह कह रहे थे। आप देख रहे जी क्या जिसमें ईडी बीडी हुक्का तमाकू किसी के पीछे कुछ, किसी के पीछे कुछ, बस दो पंक्तियां कहना चाहता हूं मैं। तुम दे रहे हो मुठी मुठी में, तुम दे रहे हो मुठी मुठी बांध के ही। बखत की बात है ना, तुम दे रहे हो मुठी बांध बांध के ही, हम तुम्हें झोलियां भर भर के देंगे। बदलने दो बखत को, हर वक्त किसी का नहीं रहता है। जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया विजय कर ली थी ना पिछले दिनों, उसका देश भुखमरी में आ गया। दुनिया समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। तुम दे रहे हो मुठी मुठी भर के हमें, हम तुम्हें झोरिया भर भर के देंगे और तुम्हें एक एक पूरी बांट रहे हो आज घर घर में, हम तुम्हें पूरी पे गुना धर के देंगे। चोरी चौकीदार करेगा और बाबा व्यापार करेगा। देशभक्त भी क्या होती है, ये निर्णय अखबार। देशभक्त भी क्या होती है, ये निर्णय गद्दार करेगा। ये सबसे बड़ा शेर था और बड़ी तालियां आनी चाहिए थी इस पर। प्रताप प्रताप भाई दिल से बधाई हो आपको भाई, कमाल। और मस्ती की बात कहता हूँ, बात पहुंच जाए तो आज तक आ जाना। अभी पांच स्टेटों में चुनाव हो गए, हर चुनाव में जो करता है वो सब कुछ इस बार करेगा। और बात पहुंच जाए भाई ईमानदारी से, मैं सारा हटा देना, ईमानदारी से बात पहुंच जाए तो पूरे सदन की एक बार ताली देखना चाहता हूँ। हर चुनाव में जो करता है वो सब कुछ इस बार करेगा। बादल फिर से गरज रहा है, चुमलों की बौछार करेगा। ये होती है नहीं, ये शायरी है बेटा, यही मार्केट होती है, मार्केट। छोरी मैं चार पंक्तियां पढ़कर के समापन करता हूँ। बड़ी कमाल पढ़ा इसका, सुनना मेरी बात को। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मैं करुणा की, मैं पिंगल के 16 छंदों में लिखता, मेरा भाई जानता है दिनेश रघुवंशी उसका नाम है, जिसने 20,000 मुक्तक सिर्फ माँ पर लिखे। 20,000 ऐसा गीतकार नहीं मिलेगा आपको पूरे देश में, इतना सरल इतना मस्त। मस्ती तो वैसे भी उसके साहित्य से दिख रही है। इतना सरल इतना मस्त आज सबने बहुत बढ़िया पढ़ा। खुर्शीद मेरा पुराना बहुत पुराना मित्र है और बस मेरी माँ से जन्म उसने नहीं लिया,
उसकी माँ से मैंने नहीं लिया, लेकिन हम माँ बजाए भाई जैसे ही हैं, इतना हमारा प्यार है। खुशी मेरा बहुत पुराना मित्र है, भाई बेटा, और सब बेटियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और हमारे हमारा स्टार्टर बहुत अच्छा था जिसने पढ़ा, विनीत ने तो बहुत ही अच्छा पढ़ा, और रजनी का नाम भी ले लिया, रजनी, रजनी ने तो बहुत अच्छा पढ़ती है, वो तो मैं से, और तुम्हारे मन में हो तो एक बार और पढ़वा दे। नहीं, और मैं के लिए बहुत अच्छा पढ़ा, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, ये सब मेरे छोटे भाइयों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, पूरा समय आशीर्वाद के रूप में हाथ खड़े करके जो पढ़ता, तो जा पढ़े को है? तो कतो ना हम नीम के नीचे जा रहे हैं। दोस्तों मैं पिंगल के 16 छंदों में पढ़ लिखता हूँ, 9 रसों में लिखता हूँ, हंसना हंसाना मेरा स्वभाव है, मुझे मस्ती अच्छी लगती है, मैं सच बताऊँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, लोगों को हंसते हुए देखना। हाँ तो मैं आपसे जान दो मैं जान दो, बहुत देर से बैठे हुए तनाव भी तो होता है किसी चीज का। हाँ कोई बात नहीं, चले जान दो, वो आराम से जाइए भैया, और अपनी के संग जाइए, अंधेर हो गया गलती है उसे बच्चे। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, मुझे विदाई देना, पूरा सदन आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है, तो कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती है, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दस्ता है, वफा ईमान, मुझे बिदाई देना तालियों से, आपको लगे कि हाँ सरदार सही मांग रहा है इस वक्त, कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती है, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दस्ता है, जमीन खून पैदा कर वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को बताना भी तरसता है, भगत सिंह जैसे बेटों को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस एक कवि शेष है, बहुत विशेष है, जो लोग जा रहे हैं वो वास्तव में पछताएंगे।